हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्वा वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों पे स्वस्थ होंगे। यार गाइस, ये वाला वीडियो काफ़ी टाइम बाद मैं शूट कर रहा हूँ। मुझे लगता है होली के पहले मैंने वीडियो डाला था एंड आज काफ़ी टाइम हो गया, 3 दिन हो गए होली को हुए, तो मुझे इसीलिए इस वीडियो में जो लंबा गैप हो गया ना, तो मुझे काफ़ी सारे अपडेट्स देने जो कि मैं सारे के सारे इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मुझे सारे ही अपने टैंक्स और पॉइंट्स पे कुछ कुछ अपडेट्स है वो देने एंड इस वीडियो के लास्ट में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ जो कि आप लोग काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे, तो वो भी होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैं चल के मैं अपने सारे पॉइंट्स पर अपडेट दे देता हूँ। सारे क्या, बेसिकली इसमें तो हमारी वाइल्ड फिशेज है तो आप लोग को पता ही होगा, तो मैंने अभी इसकी कोई भी क्लीनिंग लेंग नहीं करी है। इसको मुझे वापस से रीस्केप करना तो वो मैं आप लोग को दिखा के ही करूँगा, तो मैंने इसमें तो कोई अपडेट्स नहीं किए हैं। ये भी बहुत बढ़िया से चल रहा है। हाँ, इसमें मैंने जो हमारी एंडलर गप्पीज है उनको ऐड कर दिया था, मैं बस उसका वीडियो नहीं बना पाया कोई, मैंने उसको ऐड कर दिया था एंड मैं आप लोग को साइड से दिखा देता हूँ। वो यहाँ घूम रही हैं, ये देखो इधर में, देखो यहाँ पर, ये देखो बढ़िया से इन्होंने इसको अपना घर बना लिया है एंड इन्होंने ब्रीडिंग भी शुरू कर दी। मुझे 2-3 फीमेल्स लोडेड भी दिखाई पड़ रही थी यहाँ पर, देखो ये देखो घूम रही हैं, देख रहे हो, काफ़ी बढ़िया से यहाँ घूम रही हैं। तो यार एट लास्ट हमारी एंडलर गप्पीज़ को तो आप लोगों ने इस वाले पॉइंट में देख ही लिया होगा, तो ये तो इनका घर है एंडलर गप्पीज़ का। बट मुझे जो मेजर अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट देनी है आप लोग को, वो हमारे इस वाले पॉइंट में देनी है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैंने इसमें हमारी अल्बाइनो कोई एग्जॉटिक गप्पीज़ डाली थी, जो हमारी अल्बाइनो कोई गप्पीज़ थी, बट यार उन पर अपडेट फ़िलहाल के लिए ये है कि उनकी डेथ होनी चालू हो चुकी है। मतलब मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट कल मैंने जब इसकी डकवीट थोड़ी सी हटा के देखी, इस तरह से ऐसे डकवीट हटा के देखी, तो मुझे सिर्फ 5 ही फिशेस दिखी इसमें, मतलब एक मेल बचा था एंड 4 फीमेल्स थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं वो कहाँ गई, कैसे गई, क्योंकि उनमें से सिर्फ 2 ही की तो मुझे बॉडी मिली, बाकी 3 की तो मुझे बॉडी तक नहीं मिली। शायद उन्होंने खा ली या फिर सड़ गई होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं कि उनकी डेथ कैसे हुई, वो बीमारी कब हुई। बट कल मैंने जो बाकी की 5 बची थी उनको मैंने निकाली और उनको मैंने अभी क्वारंटीन में रखा हुआ है रॉक सॉल्ट के सोल्यूशन में। एंड अभी फ़िलहाल के ये जो पॉन्ड है ये हमारा खाली नहीं है, इसमें फिशेज है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो इसमें फ़िशेज़ हैं। एंड ये कौन सी फ़िशेज़ हैं, ये हमारी वही क्रॉस ब्रीड वाली गप्पीज हैं जो कि हमारे इस वाले टैंक में पड़ी हुई थी, तो मैंने इनको इसमें डाल दिया है। अब क्यों डाला, किस लिए डाला, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, इस वाले टैंक में मैंने डाले हुए हमारे एक और नए एग्जॉटिक गप्पीज के पेयर जो कि हैं टोपस ब्लू गप्पी, दिखाता हूँ, रुको मैं आपको, ये देखो। तो ये है हमारी एक और एग्जॉटिक गप्पी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं टोटल 4 एग्जॉटिक गप्पीज़ की ब्रीडिंग कराने वाला हूँ, तो ये हमारा चौथा और आखिरी जो गप्पी का स्ट्रेन है वो मैंने मंगा लिया था, क्योंकि मैं ये लोकल शॉप से ही लाया था इसलिए मैंने इसकी कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं डाली है। एंड ये काफ़ी बड़े साइज़ में, ये बिल्कुल भी छोटे साइज़ में नहीं, बाकी के हमारी तीनों जो स्ट्रेन थे वो छोटे साइज़ में थे, बट ये बिल्कुल जम्बो साइज़ में, देख सकते हो। एंड इनकी टेल में देख सकते हो कितनी बढ़िया सी बड़ी साइज़ की टेल है इनकी। तो ये टोटल मैं 3 पेयर्स लाया हूँ, 3 मेल 3 फीमेल्स हैं एंड सारे के सारे ब्रीडिंग पेयर्स हैं। एंड जो हमारी फ़ीमेल्स हैं देख सकते हो वो लोडेड भी हैं। अभी मैं इस टैंक में कुछ देख नहीं रहा क्योंकि इसका मुझे सामने से ग्लास क्लीन करना है, एल्गी लगी हुई है अंदर की तरफ से, तो फिर वो मैं आप लोग को दिखाऊँगा। बट अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैंने इनको इस टैंक में क्यों डाला एंड क्रॉस ब्रीड वाली हमारी गप्पीज़ को इसमें क्यों कर दिया। तो उसके पीछे का रीज़न काफ़ी सिंपल है कि देखो, जो हमारी क्रॉस ब्रीड वाली गप्पीज़ है वो मैंने, मेरे पास ही वो फ्राई थी, बच्ची थी एंड मैंने उनको रेस किया, वो यहीं के पानी में बड़ी हुई हैं, तो वो बढ़िया से हमारे यहाँ के पानी में बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी हैं। बट जितनी भी मैं एग्जॉटिक गप्पीज़ मंगा रहा हूँ उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है एंड उनको बीमारी भी जल्दी पकड़ती है, तो मैं उनको अच्छे से देख पाऊँ, उनकी बीमारी जो भी उनको हो उनको आइडेंटिफाई कर पाऊँ, इसलिए मैंने हमारी जो नई वाली एग्जॉटिक गप्पीज़ हैं उनको इस टैंक में रखा है, ताकि उनकी भी हालत हमारी अल्बाइनो कोई गप्पीज़ की तरह ना हो जाए, इसलिए मैंने उनको यहाँ रखा है। एंड हमारी क्रॉस ब्रीड वाली गप्पीज़ तो बहुत कम ही बीमार पड़ती हैं, तो मैंने उनको इसलिए इसमें रख दिया एंड वो बिल्कुल सुपर एक्टिव भी, उनको कोई बीमारी भी नहीं है, देख लो बिल्कुल सुपर एक्टिव है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इन पर अपडेट दूंगा एंड मैं इस ग्लास को अंदर से क्लीन कर लूँगा एंड तब आप लोग को इनको सामने से दिखा दूंगा। अभी आप लोग ऐसे ही दूर से देख लो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ग्लास को क्लीन करना है इसलिए शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा सही से। तो ये तो रही हमारा चौथा और आखिरी गप्पी का स्ट्रेन
एग्जॉटिक गप्पी का स्ट्रेन। एंड इसके अलावा मुझे क्या दिखाना है आप लोग को, ये आप लोगों को पता होगा मैंने कल शॉल डाला था, मैंने श्रिम्स के लिए सेटअप बनाया छोटा सा मिनी पॉन्ड टाइप का बिल्कुल DIY, ताकि हमारे जो लोडेड वाले चेरी श्रिम्प है वो अपने बच्चे इसमें दे दें एंड फिर मैं उनको वापस से डाल दूंगा उस टैंक में एंड उनके बच्चों को मैं इसी में रेस करूंगा। एंड लास्ट में जो मुझे लास्ट अपडेट देनी है वो ये है कि मैं कराने वाला हूँ हमारी इसकी और इसकी इन दोनों बेटा की ब्रीडिंग। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं इनकी ब्रीडिंग कराने वाला हूँ, बट वो काफ़ी दिन से रुका पड़ा था मामला, बट अब बिल्कुल रेडी हूँ मैं इनकी ब्रीडिंग कराने के लिए। एंड मैंने सारे सेटअप वेटअप के लिए जो भी सामान लगता है वो सब रेडी कर लिया है। एंड ये हमारे दोनों पेयर्स को मैं बढ़िया से इनको लाइव फूड भी दे रहा हूँ काफ़ी टाइम से, जब से मैंने इनको वो वाले टैंक में रखा था, मैंने आप लोग को शॉर्ट दिखाया था, तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ब्रीडिंग करने के लिए। तो अभी मैं चल के सबसे पहले मैं इनके लिए जो ब्रीडिंग सेटअप है वो आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैं इनकी ब्रीडिंग किस में कराने वाला हूँ। देख सकते हो बिल्कुल ये सुपर एक्टिव है, देख रहे हो बिल्कुल सुपर एक्टिव है। तो इनकी ब्रीडिंग होने वाली है इसमें कराऊँ, मेरे पास 3 ही टब खाली हैं, बट मैं कराने वाला हूँ इस बड़े से टब में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। एंड जब हमारा जो मेल जो फीमेल है वो एक्स ले कर चुकी होगी तो फीमेल को निकालने में दिक्कत भी नहीं होगी, बाकी छोटों में दिक्कत होती है तो बबल नेस टूटने का डर रहता है। तो अभी मैं सबसे पहले चल के मैं इसमें वाटर फिलअप करता हूँ। सो यहाँ देखो एट लास्ट इतना पानी काफ़ी रहेगा, मैं ज़्यादा भी नहीं भरूंगा नहीं तो फिर से जंप करने का डर रहता है उनका। तो इतना पानी बेटा इसकी ब्रीडिंग के लिए काफ़ी रहेगा। एंड अब चल के मुझे क्या करना है इसमें, मुझे इसमें डालनी है कुछ सूखी हुई आलमंड लीव्स, जो कि मेरे पास एज यूजुअल कभी भी नहीं रहती, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका जो अल्टरनेटिव है, जो कि मेरे पास भरा हुआ है पूरा, यहाँ पर देख सकते हो पूरा भरा हुआ है, जो कि है गुआवा की लीव्स। एंड अभी पतझर का मौसम चल रहा है तो बहुत सारी सूखी पत्तियाँ भी नीचे गिर रही हैं, तो मैं यहाँ से भी कुछ उठा लेता हूँ एंड मैं इनको फिर बढ़िया से बॉईल करता हूँ एंड फिर इसको डालते हैं। तो पहले मैं कलेक्ट कर लेता हूँ कुछ सूखी सूखी सी पत्तियाँ। तो एट लास्ट इतनी पत्तियाँ काफ़ी रहेंगी एंड अभी मैं सबसे पहले चल के इसको वॉश करेंगे इस पानी में एंड फिर चल के इसको मैं बॉईल करने वाला हूँ। एंड मैं इन सब चीज़ों को करने के बाद आप लोग को दिखाता हूँ। तो यार गाइस फाइनली ये बॉईल हो चुकी है बढ़िया से एंड इसका जो बचा हुआ पानी था जो ब्राउन हो चुका था तो मैं उसको ही बाद में डाल दूंगा एक बार ठंडा होने के बाद, बट फिलहाल के लिए चल के हम लोग हमारी ये वाली पत्तियों को ऐड करते हैं हमारे टब में। कुछ और तो ये काम तो पूरा हो चुका है एंड ये ब्रीडिंग सेटअप रेडी हो चुका है बेटा फिश का, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको 3-4 दिन तक ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि बेटा फिश की ब्रीडिंग बेसिकली स्टोर्ड वाटर में ही होती है, मतलब रखे हुए पानी में, ताज़ा पानी नहीं यूज़ करना। तो मैं इसको थोड़े दिन के लिए ऐसे छोड़ूंगा 3-4 दिन के लिए एंड तब तक के लिए ये वाटर जो है वो येलो भी हो जाएगा, मतलब ये जो पत्तियाँ ये पीली अभी छोड़ देंगी इसमें येलो कर देंगी इसको, तो उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। तब चल के हम लोग हमारे फिशेस को यानी कि पहले तो मेल बेटा को ऐड करेंगे, बट फिलहाल के लिए इसको अभी ऐसे ही छोड़ते हैं। सो गाइज अभी फ़िलहाल के मैंने सारी की सारी अपडेट्स आप लोग को दे दी है हमारे सारे टैंक्स और पॉन्ड्स पे एंड लिटरली में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, पसीना देखो पूरे माथे पे आ चुका है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जो ये वाला ब्रीडिंग सेटअप है हमारी बेटा का, इसको 3-4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि इसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हो वो क्रिएट हो जाए, क्योंकि बेटा फिश की ब्रीडिंग हमेशा रखे हुए पानी में ही करानी चाहिए, तो जो उसके बेबीज़ हैं वो काफ़ी दिन तक अलाइव रहते हैं, बड़े होते हैं, नहीं तो वो जल्दी मर जाते हैं। तो वो मैं इसको छोड़ूंगा एंड तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस पर अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक वाइक कर दो एंड मैं मिलता हूँ आप लोग को एक्वा वर्ल्ड के एक और नए खूबसूरत से एपिसोड में। हाँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में चल के हम लोग हमारे बेटा फिश को ऐड करेंगे, इसमें सबसे पहले मेल बेटा को ऐड करेंगे, तो वो सब पूरा प्रोसीजर मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही एंड मैं मिलता हूँ आप लोग को एक्वा वर्ल्ड के एक और नए खूबसूरत से एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।